फार्मर भाइयों नमस्कार। जैसा कि कई भाइयों ने बोला था कि सर जो आप ये धूप देते हो शाम के टाइम, अब भैया आज टाइम है, आज डेट है 19 अगस्त, ये कल मैंने 18 अगस्त की नाइट को शाम को सात और 7:30 के बीच में अपने फार्म के अंदर जो है धूमनी दी थी। आप इसको वीडियो में देख सकते हो भाई कैसे कैसे ये करनी है। एक तसले के अंदर पहले मैंने उपले से आग जलाई और उसके अंदर अपनी सामग्री डाल के अब जो है मैं फार्म के अंदर ही है ना अच्छी तरह बाड़े के अंदर जा करके धूप दे रहा हूँ। और इसकी गंध जो है इतनी लेटेस्ट इतनी वो है, मतलब कि बहुत आनंद की अनुभूति होती है। और जैसे अपने ऋषि मुनि यज्ञ करते हैं ना उससे जो आती है, बिल्कुल बहुत अच्छा माहौल हो जाता है। फार्म बिल्कुल कीटाणु फ्री और स्ट्रेस फ्री, मैं बता नहीं सकता मतलब कि कितने इसके बेनिफिट है करने के। और भैया मैं तो जो है अपने जब से ये बीमारी का प्रकोप थोड़ा ज़्यादा हो रखा है, ये मैंने जो है सब्ज़ी की बेल वगैरह लगा रखी है उनके अंदर भी दे रहा हूँ, नालियों के अंदर हवा के सिस्टम के हिसाब से भैया चारों तरफ जो है फैले अपने जो है फार्म में। ये जो है मेरा नेपाली जो है वो फीड घोड़ता हुआ है, शाम को खाना देने से पहले ही अपना ये धोने दे रहे हैं। और ये हर प्रकार के जो है ना आपके फार्म को है ना हर प्रकार की बीमारियों से, वायरस से, जैसे आजकल जो आपने पता ही है अभी स्वाइन फीवर का, ASF का यानी बैक्टीरिया का, कीटाणु होगा, इनका बहुत प्रकोप होता है इस अगस्त जुलाई और अगस्त के मंथ में। तो मैं कोशिश करता हूँ कि जो है एक दिन छोड़ के एक दिन शाम को 7 से 8 बजे के बीच में देता ही देता हूँ सर इसकी दुआएं। और इसका मेरे को बेनिफिट भी बहुत मिल रहा है। आप ज़्यादा डिसइंफेक्टेड पे या मेडिसिन पे, स्प्रे पे, इन पे ज़्यादा पैसे खर्च ना कर करके अगर प्राकृतिक जड़ी बूटी के साथ जाओगे तो उसका भाई साहब बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। मैं डिसइंफेक्टेड का कोई विरोध नहीं करता, लेकिन मैं स्प्रे करता हूँ, क्रोसलीन का भी करता हूँ, वीरकोनेस का भी करता हूँ, लेकिन वो करता हूँ हफ्ते में एक बार संडे के दिन बस। और बाकी एक दिन छोड़ करके एक दिन ये शाम के टाइम ये करता हूँ। और इसके मेरे जानवर भी इतने आदि हो चुके हैं कि अगर शाम को आप देख रहे होगे जैसे मैं करता हूँ तो वो साथ के साथ ही स्मेल करने के लिए बाहर आते हैं। और शाम को इसको करने का ये फ़ायदा है कि नाइट में जो है ना हवा थोड़ी कम हो जाती है और ये गंध इसकी बैठ जाती है नीचे की नीचे। ये मेरे डिलीवरी रूम था, डिलीवरी रूम के अंदर भी मैंने जो अपना ये अभी तो मेरा ही पुराना फार्म है ये वो है सर। कई बंदों ने कहा था कि इसका कैसी वो होनी चाहिए सामग्री, ये सामग्री मैंने पीस के मिला के सभी जड़ी बूटी। जिस भाई ने इसके बारे में जानना हो भी इसके अंदर क्या क्या चीज़ मिक्स है, वैसे मैंने ग्रुप में डाल रखा है, सभी ने पता है इसके बारे में, लेकिन जिस भाई ने अब तक नया जुड़ा हो कोई मेरे चैनल पर तो वो कमेंट करके पूछ सकता है इसके बारे में कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ मैंने मिलाई है, वो मैं डाल दूंगा। और ये देखो डालने के बाद इसके अंदर देसी गाय का घी भी मिला रखा है। ये देखो इसके नीचे जानवर कैसे स्मेल लेने के आए हैं। और जो मेरा फार्म है ये ऑन रोड है, जब शाम के टाइम हम इसको करते हैं तो पहले क्या होता था कि मेरे फार्म के बाजू में से कोई भी जो ट्रैफिक या कोई बंदा निकलता था तो वो नाक सिकोड़ता था कि यार सुअर फार्म है गंदा, यहाँ तो तीखी बदबू मिलेगी। लेकिन अब जब से मैंने ये करना शुरू किया तो शाम को लोग देखते ही चले जाते हैं, जब भी मैं ये करता हूँ तो स्मेल आती है, तकरीबन 200 मीटर दूर तक भी इसकी गंध जाती है। तो फार्मर भाइयों ये अपना बहुत ही प्राचीन वो है, इसको वो करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कॉमेंट करो। और जिस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए वो मेरे को बोलो, मैं उसी में बनाऊँगा। सभी फार्मर भाइयों।